आजादी माँ। हमारी जो लड़ाई थी वो आपने देखा होगा, हम भी 40 दिन तक जंतर मंतर पे थे। वो ब्रिजभूषण जैसे आदमियों के खिलाफ लड़ाई थी जो बहन बेटियों का शोषण करते थे। जय जवान जय किसान, आप सभी को मेरा नमस्कार। 2021-22 में मैंने आप लोगों का आंदोलन देखा था, उसमें जो सरकार ने वादे किए थे, 3 काले कानून को वापस लिए, लेकिन एमएसपी का जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। हमारा भी एक आंदोलन हुआ था, उसमें भी बहुत सारे वादे करे गए लेकिन कुछ पूरे हुए कुछ पूरे नहीं हुए। तो मैं ये कहना चाहूंगी सरकार से कि जो वादे किए वो पूरे होने चाहिए। ये हमारे हक की लड़ाई है, ये किसानों के हक की लड़ाई है, ये फसल बचाने की लड़ाई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं, जो हरियाणा की महिलाएं, जो पंजाब की महिलाएं, वो हमेशा से लड़ती आई हैं। चाहे वो कोई भी आंदोलन हुआ, वो पहली कतार में आगे खड़ी होकर लड़ा उन्होंने आंदोलन। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो पिछला आंदोलन है उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाओं के चोट लगी और फिर भी फूटे, लेकिन एक तरफ तो दुख होता था, दूसरी तरफ ये भी होता था कि हौसला मिलता था कि हमारी महिलाएं लड़ सकती है, अपने न्याय के लिए लड़ सकती है। हमारी जो लड़ाई थी वो आपने देखा होगा, हम भी 40 दिन तक जंतर मंतर पे थे। वो ब्रिजभूषण जैसे आदमियों के खिलाफ लड़ाई थी जो बहन बेटियों का शोषण करते थे, जिन्होंने हमारी जगह छीनी, वो जगह कायम रखने के लिए हमारी लड़ाई है। और हम जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती, ना हम डरेंगे ना हम झुकेंगे। वही आप लोगों के लिए है, आपके लिए भी आंदोलन में कुछ गलत मानसिकता के लोग, जैसे कंगना रनौत तो उसने बोला था कि मेरी जो ये माताएं हैं जो 200 रुपए में आई है, मैं उसको ये बता दूं कि 100 तो हमारी वैसे ही बात कर सकते थी, हमारी माताएं, हमारी दादी माँ। तो बस लास्ट बात और भी मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें हैं, काफी दिन से आंदोलन देख रही हूँ, बड़ी परेशान होती हूँ देख करके कि जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे घायल हुए हैं। और हमारा भाई शुभकरण सिंह, जिसको सीधा गोली लग के जिसने अपना जो बलिदान दिया है, वो बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो सरकार जो कर रही है, पर्चे भेज रही है घर पे, जो हमारे तेजवीर भाई हैं और जो हमारी महिला है, माताओं के घर पे पर्चे भेजे जा रहे हैं, क्या यहाँ इतनी भी आजादी नहीं कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके? तो बस मैं कहना चाहूंगी, जो हमारी हरियाणा पंजाब की महिलाएं वो हमेशा से लड़ी है, आगे पहले नंबर पे आके लड़ाई लड़ी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक लास्ट बात और बोलना चाहूंगी कि महिलाएं जो है काम से लौट कर भी, महिलाएं काम पर भी लौटती हैं, तो हमारे में इतनी योग्यता है कि हम 24 घंटे काम कर सकती हैं।